व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल बेहद कहली किस्में आप देखेंगे। व्यूअर्स, सोनिया की माँ ने सोनिया को बहुत समझाया कि सोनिया तुम अपने मुंह बंद रखो, लेकिन व्यूअर्स सोनिया ने भी उसे कहा कि मैं कभी भी हमजा को नहीं छोड़ सकता क्योंकि हमजा मेरा पहला मोहब्बत है और मैं इसको ज़रूर निभाऊंगी क्योंकि हमजा से मैं प्यार करती हूँ। व्यूअर्स, जैसे जैसे दिन गुजरते थे सोनिया की वालदा की इस्तेकामत और भी मजबूत हो जाता है। वो अक्सर सोनिया को ख़ानदान की इज्जत और अच्छी शादी की अहमियत के बारे में याद दिलाती है, लेकिन सोनिया का दिल हमजा का है और वो अपनी ज़िंदगी किसी और के साथ गुजारने का सोच भी नहीं सकती है। एक दिन सोनिया का वालदा ने इंकशाफ किया कि वो सोनिया के दूसरे आदमी से शादी के लिए शादी की तैयारियां शुरू कर चुकी है। सोनिया परेशान हो जाती है, वो जानती थी कि ऐसे एक मौके भी इख्तियार करना है, लेकिन वो अपनी माँ के गजब से डरती है। इसी वक्त हमजा ने कदम रखा, इनकी मोहब्बत के लिए लड़ने का अजम किया। वो सोनिया की वालदा के पास भी आया, वो अपने मुकदमा पेश किया, उन्होंने इनकी मोहब्बत की गहराई, उनकी खुशियों के बारे में बताया। व्यूअर्स, लेकिन सोनिया की माँ बेचैन है, एक जुरात मंदाना इकदाम है। हमजा फिर सोनिया के वालिद की तरफ मुतवज्जह हुआ जो खानदान में हमेशा खामोश तमाशाई बने हुए है। इसने अपने इंसाफ और इंसाफ के एहसास की अपील की। इसने अपने इंसाफ और इंसाफ की अपील करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता लेकिन यकीनी तौर पर सोनिया के वालिद को हमजा के बातों में सच्चाई नज़र आने लगी। हमजा और सोनिया के वालिद ने मिलकर नौजवानों प्रेमियों को इकट्ठा करने का मनसूबा बनाया। इनकी शादी एक छोटी मुबाशरत तकरीब में हो गई जिसमें सिर्फ चंद करीबी दोस्त और ख़ानदान के अफराद मौजूद थे।